गाइज, ये आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 15.1 क्वेश्चन नंबर 18। आपको मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग से पहले ही बता देता हूँ कि यह बहुत IMP क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वरना आपका लॉस है। ठीक है गाइज, चलिए तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। अ बॉक्स कंटेंस 90 डाइस विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। इफ वन डाइस इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट इट बियर्स अ टू डिजिट नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अभी तक तो मैंने आपको जो बताया आपको थोड़ा बोरिंग से लगा होगा, चलिए इसको हिंदी में समझाते हैं, हिंदी में कन्वर्ट करके। तो गाइज, इसको हिंदी में ये बोला जाता है कि एक पेटी में 90 डिस्क मतलब डाइसेस है जिन पर 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। ठीक है, यदि इस पेटी में से एक डिस्क अलग से निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इस डिस्क पर जो अंकित अंक है, मतलब जो भी अंकित उसमें जो भी अंक हैं, तो वो कौन कौन से होने चाहिए। टू डिजिट नंबर मतलब 2 अंकों की संख्या, आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, आ नंबर डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 से विभाज्य एक संख्या। ठीक है, सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, चलिए इसको करते हैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे पहले नंबर लेट कर लेते हैं बेटा, टोटल ऑल पॉसिबल, टोटल ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, जो कि NS इजिकल्स टू में होगा बेटा कितना, 90। अब आप लोग तो जानते ही हैं बेटा 90 होगा क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स में 90 डाइसेस की बात की गई है। ठीक है, तो 90 अपना हो गया टोटल ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कंडीशंस की, तो पहली कंडीशंस पे हम आ जाते हैं, आ टू डिजिट नंबर। तो बेटा आ टू डिजिट नंबर मतलब 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी यहाँ पर दिए गए एक बॉक्स में 90 डाइसेस हैं उसमें से इनने बोला 1 से 90 तक की अंक अंकित हैं, तो हमें ये बताना है कि हमने जो उसमें जो 90 डाइस थे ना उसमें से एक डाइस रैंडमली हमने निकाल लिया बॉक्स में से। तो जब हम रैंडमली बॉक्स से अगर निकाल लेते हैं, अलग कर देते हैं, तो उनकी इनका कहना चाहिए कि क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि जो हमने रैंडमली निकाला है कि वो टू डिजिट नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नंबर डिविजिबल बाय 5 है। मतलब 3 कंडीशन होनी चाहिए, इन तीनों कंडीशन हमें बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी हमें इसी बात की निकालनी है। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा, आ टू डिजिट नंबर। ठीक है, पहली कंडीशन है आर टू डिजिट नंबर। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स में 90 डाइसेस हैं लेकिन हर एक डाइस में 1 से लेकर 90 तक के अंक अंकित हैं, पहले क्लियर कर दूँ वरना आप लोग पहले कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, अब एक और बात, जैसे कि इन्होंने बोला कि पहली कंडीशन है आ टू डिजिट नंबर, है ना, तो पहली कंडीशन में बोल दिया गया आ टू डिजिट नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर वाले ऐसे नंबर होने चाहिए, मतलब आप जो भी डाइस निकाल रहे हैं उसमें 2 डिजिट वाले नंबर होने चाहिए। तो बेटा सीधी सीधी बात है, 1 से लेकर 90 तक के अंकों में हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1 लिखें 2 लिखें तो ये तो क्या सिंगल है, है ना, यानी कि मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये इकलौते ऐसे नंबर हैं जो सिंगल डिजिट के हैं, है ना। अगर इसके बाद जितने भी नंबर आते हैं आप सभी जानते हैं, इनको छोड़कर बाकी जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर कौन से होंगे, 2 अंकों के यानी 2 डिजिट के होंगे, है ना। तो यानी 10 से लेकर 90 तक के टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 10 से लेकर 90 तक के टोटल नंबर हो जाएंगे बेटा NE1 = 90 - 9 इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, 81। कितना आएगा बेटा, 81। यानी कि इनका कहना ये है कि अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जी सारे सिंगल डिजिट के हैं और इनने बोला आ टू डिजिट नंबर मतलब 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए, जो भी आपने डिस्क निकाली है वो 2 डिजिट वाले नंबर की होनी चाहिए, तो इसमें से केवल 9 नंबर ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट के हैं, तो हमने लेस कर दिए तो 81 आ गया आउटकम्स। ठीक है, और NS हमें क्या पता है, 90। तो आप सभी जानते हैं वी
नो डैट पी ई वन इक्वल में एन ई वन अपॉन में एन एस। ठीक है, तो पी वन बेटा कितना है, पी वन इसका शो एन ई वन कितना है बेटा 81 और हमारा यहाँ पर एन एस कितना है बेटा 90। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए बेटा अगर ये कट सकता है तो काट दीजिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर है ना 9 के पाड़े में 81 आता कितना है 9 बार और 90 आता 10 बार, तो ये आ गया। इससे ज़्यादा कट सकते हैं कि नहीं, तो पी वन कितना आ जाएगा बेटा 9/10। तो पहली कंडीशन हमने प्रूव कर दी पी वन की। ठीक है गाइस, तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको अभी तक। चलिए, बहुत अच्छी बात है जब आपको इतनी जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है ये सब चीज़ें। अच्छा, अब हम आगे की बात करते हैं। अच्छा गाइस, तो चलिए सेकंड कंडीशन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन बोली है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 90 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सकते हैं, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी कौन कौन सी बन सकती हैं। तो बेटा सीधी सीधी फैक्ट बात है, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम, मैं इसको यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ जिससे ईजिली आप लोग सॉल्व कर सके। ठीक है गाइज, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 90 आर। देखो भाई, इसका मतलब जो होता है कि 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, है ना। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो जो है तो लिख दीजिए। तो 4 का स्क्वायर यानी 16 एंड 25, ठीक है 36, 49, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा इसके आगे है क्या 81 के आगे नहीं कर सकते क्योंकि हमें 1 से लेकर 90 के बीच की बात करनी है ना, तो 81 के आगे तो 90 के क्रॉस कर जाएगा। तो भाई ऐसे ये केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं जो कि 1 से लेकर 90 के बीच में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या थे बेटा। ये सारे के सारे हैंगे अभी फ़िलहाल E2, है ना। तो हम इसका टोटल सम करें तो E2 इस में कितना हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी 9 हो गए, हो गए 9। और हमें गिवन में हमें दिया हुआ है लेड का हमने करा हुआ था 90 एन एस, ये 90 हो गया, क्लियर है। तो आप सभी जानते हैं फॉर्मूला पुट करना है, तो आज ही इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। वी नो डैट पी ई टू इजकस टू में एन ई टू अपॉन में एन एस। ठीक है, पी ई टू बेटा कितना है इजकस टू में एनी टू अपन ने निकाल लिया 9, एन एस हमने पहले ही निकाल लिया था 90, कट रहा है तो काट दीजिए 9 9 9 10 90। तो बेटा पी ई टू कितना आ जाएगा आपका 1/10। एक आंसर बेटा ये आ गया, यानी पहली एंड सेकंड कंडीशन हमने कर दी सॉल्व। अब लास्ट वाली कंडीशन की बारी है जो कि है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बोला गया अ नंबर डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 से विभाज्य संख्या हो ऐसी, मतलब 5 से वो कटना चाहिए ऐसी संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो 1 से लेकर 90 के बीच में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 5 से कटती हैं आपको जी देखना है। ठीक है, तो वही सीधी सीधी फैक्ट बात है, यहाँ पर जरूर लिख दीजिएगा थर्ड कंडीशन। एंड क्या लिखना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, नंबर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 1 to 90। ठीक है, तो बेटा E3 होगा ये, है ना। E3 इज इक्वल्स टू में कितने होंगे नंबर बेटा, आ जाइए लिखते हैं। चलिए 5, एक तो 5 के पाड़े से कटेगा, 10 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, कुल मिलाकर आ जाए 5 से लेकर 10 तक के पाड़े लिख दो अभी। तो 5 5 5 5 2 9 5 3 15 5 4 20 25 30 35 40 45 एंड 50। ठीक है, अब इसके आगे भी कट सकते हैं 1 से 90 के बीच में, तो 55 हो जाएगा यानी 55 60 एंड 65 70 एंड 75 80 एंड 85 एंड देन लास्ट 90।
बेटा एक से लेकर 90 के बीच में केवल यही नंबर हैं जो 5 से कट सकते हैं। आ जाओ इनको काउंटिंग करते हैं, यानी कि एन ई थ्री कितने हैं, तो वो 5 से लेकर 10 तक में तो बेटा हो जाएंगे 10 नंबर, ठीक है। अब उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये टोटल होंगे बेटा 18 नंबर, कितने होंगे 18 नंबर। और NS तो हमें पता ही है बेटा कितना है, हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है 90, है ना। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, फॉर्मूला पुट करके इसको वैल्यू को रख दीजिए, वी नो डैट PE3 इजकल्स टू में NE3 अपॉन में NS, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से केयरफुली रखिएगा, ठीक है। PE3 इजकल्स टू में NE3 कितना बेटा 18 और देन NS है 90। अब जी बताइए कट सकता है क्या किसी पहाड़े से, बिल्कुल कट सकता है। कैसे देखिए, कैसे कट जाएगा देखिए, 9 के पहाड़े से काट दीजिए, 9 1 9 1 9 9 2 18 9 10 90, 2 1 2 2 5 10, तो बेटा कितना आ जाएगा आपको यहाँ पर देखिए, PE3 कितना आ रहा है 1/5। तो बेटा ऐसे करके हमने यहाँ पे सारे नंबर डिलीट वगैरह जो भी हैं सॉल्व कर दिए हैं। देखिए पहली कंडीशन का आ गया 9/10, दूसरी कंडीशन का 1/10 एंड देन तीसरी कंडीशन का है 1/5। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन है, बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करके है। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, विद अमेजिंग न्यू एक्स्ट्रा वीडियोज़ के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।